नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय। इस बार जिस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, वो है पश्चिम बंगाल। जी हां, वो पश्चिम बंगाल जो कभी कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, उसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की दशक पुरानी सरकार को अब चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी। वो बीजेपी जो चंद साल पहले तक बंगाल के चुनावी नक्शे से गायब थी, वो बीजेपी आज इतनी बड़ी प्लेयर कैसे बन गई कि अब मुकाबला अगर है तो सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच। भाजपा के इस बंगाल के जादू को करने वाला कोई किरदार है तो उसका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल भाजपा चुनाव के प्रभारी। तो क्या मध्य प्रदेश से बंगाल जाकर उनकी ये तपस्या सफल होगी? क्या बंगाल में कमल खिलेगा? आइए जानते हैं इंडिया फर्स्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल के विधानसभा चुनावों में इस बार मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी का है। लेकिन करीब 10 साल पहले जो बीजेपी बंगाल के चुनावी नक्शे से गायब थी, वो कैसे इतनी बड़ी प्लेयर बन गई? तो इसका श्रेय जाता है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को। कितना संघर्षपूर्ण रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, जिस समय हम लोग वहाँ काम करने गए थे और मुझे जवाबदारी मिली थी, तब हम चौथे नंबर पर थे। आज हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व के कारण वहाँ पर हम टीएमसी का विकल्प के रूप में खड़े हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के महापौर कैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को स्थापित कर पाए और कैसे ममता बनर्जी को 50,000 मतों से हराने का दावा वो आज कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदारी मुझे दी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम मुझे दिया और एक चुनौती वाला, और हम उसमें काफ़ी अच्छा वहाँ पर कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। एक शांति आएगी प्रदेश के अंदर, डेवलपमेंट होगा, प्रजातंत्र। एक हत्याओं का दौर प्रारंभ हुआ, पहले कांग्रेस के लोग मारे गए, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हत्या हुई। कैलाश विजयवर्गीय का जन्म 13 मई 1956 को इंदौर में हुआ। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लेने के बाद उन्होंने LLB की पढ़ाई भी की। कैलाश विजयवर्गीय का बीजेपी से करीब 46 साल पुराना रिश्ता है। साल 1975 में पहली बार ABVP के जरिए राजनीति में उन्होंने कदम रखा। बीजेपी के टिकट से वो पहली बार इंदौर के महापौर बने। इसके बाद बीजेपी के टिकट से ही विधायक बने और बिना कोई चुनाव हारे 6 बार विधायक बने। 12 साल वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। कैलाश विजयवर्गीय के करियर का उछाल तब आया जब साल 2014 में उन्हें हरियाणा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। उस साल बीजेपी ने हरियाणा में जबरदस्त प्रदर्शन किया और सरकार बनाई। इससे पहले साल 2009 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी, लेकिन उनके प्रभारी बनने के बाद हरियाणा में बीजेपी ने 47 सीटें जीती। उसी वक्त ये तय हो गया था कि बीजेपी को केंद्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है, और जून 2015 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर दिया। हरियाणा में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हालांकि बीजेपी के लिए बंगाल का सपना दूर ही था, क्योंकि साल 2011 में बंगाल में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में 0 यानी कोई भी सीट नहीं मिल सकी थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन फिर भी बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाना दूर का सपना था। हालांकि बीजेपी को इस सपने को हकीकत के करीब लाने की बड़ी चुनौती में जुटे रहे कैलाश विजयवर्गीय। के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी और वोट शेयर करीब
10% के आसपास था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने हार नहीं मानी और 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 42 में से 18 सीटों में विजय प्राप्त हुई और बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त उछाल आया। बीजेपी का वोट शेयर था तकरीबन 40.3%। कैलाश विजयवर्गीय ने जमीनी स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कैलाश विजयवर्गीय को यह मालूम था कि बंगाल का चुनावी चरित्र हिंसा का है और उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खड़ा करने के लिए खुद उनके बीच जाना होगा और रिस्क भी उठाना होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से बीजेपी के कैडर को बंगाल में खड़ा किया, उसने विपक्ष को भी हौचक्का कर दिया। भाजपा के बढ़ते हुए आधार के चलते कैलाश विजयवर्गीय पर कई बार बड़े हमले भी हुए जो कि वाकई में जानलेवा भी हो सकते थे। बंगाल में भाजपा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या का इल्जाम टीएमसी पर लगाया है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से भी मिलती हैं। बंगाल का सियासी महत्व के साथ सामरिक महत्व भी है, लिहाजा बंगाल के चुनाव पर न केवल भारत बल्कि भारत के आसपास के मुल्कों की भी नजर है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने आक्रामक अंदाज और हार्डकोर हिंदूवादी छवि को बंगाल में जनता और कार्यकर्ताओं के सामने रखा। इस दौरान उन पर कई सियासी हमले भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भरोसेमंद बनना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से भाजपा को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर कमल खिलाने के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी का जो अंदाज है राजनीति का, हम सभी जानते हैं। जब सीबीआई के ऑफिसर्स वहाँ पर अपनी कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं रुकावट देखते हैं, ऐसे समय में जब आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते होंगे, तो कौन से अल्फाज रहते हैं, वो कौन से शब्द रहते हैं जो आप उनके अंदर चेतना का, उनमें ऊर्जा का प्रसार करते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होता है। फिर एक जबरदस्त नेतृत्व मोदी जी का, एक जबरदस्त नेतृत्व अमित शाह जी का, जो कि एक विश्वास दिलाता है कि हम इस मैदान में कूद पड़ेंगे तो ये पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी। ये विश्वास मोदी जी का और अमित शाह जी का वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है, और अब नड्डा जी भी वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। तो एक जो तिकड़ी हमारी ये नेताओं की हमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चैनल हेड आशुतोष के साथ पॉलिटिकल ब्यूरो इंडिया फर्स्ट न्यूज़।